नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सबों का। आज ये एपिसोड मैं बिना स्टैंड के कर रही हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉपर मेरा स्टूडियो का सेटअप नहीं है। ये वीडियो मैं आप लोगों को हैवलॉक आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा वहाँ से शूट कर रही हूँ। आप ये कुछ विजुअल्स भी मैं डाल रही हूँ जिसे आप देखिए और इस जगह का आनंद लीजिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, रामायण के समय से ये जगह जाना जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि पहले राम जी ने जब लंका पर सीता माता को लाने की बात आई तो यहाँ से ही उन्होंने सेतु निर्माण का सोचा था, पर बाद में फिर वो धनुषकोटी से बनाए। तो ये अंडमान नाम हनुमान जी का है, कहा जाता है ये उनका ही एक दूसरा नाम है। इस खूबसूरत जगह और यहाँ के बहुत ही पवित्र समुद्री किनारे को आप देख सकते हैं। उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज की लालिमा जब समुद्र तल पर पड़ती है तो ये बहुत ही सुहावना लगता है। और इसके अलावा कोरल रीफ्स यहाँ बहुत हैं, भारत के एक बहुत ही बड़ा कोरल रीफ यहाँ पे पाया जाता है। इसकी भी एक छोटी सी झलक आप लोग देखिए। और आज हम फिर बात शुरू करते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में, जो हमने बातें कही थी। तो ये योग देखिए बनता है, हमने एक पहले भी एपिसोड डाला है, उसे आप ज़रूर देखिए। उस पंच महापुरुष के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। आप इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक समझ आ जाएगी कि पंच महापुरुष योग क्या होता है, बनता कैसे है और इसको किस तरह से व्यक्ति के जीवन में ये एक अद्वितीय राजयोग माना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह से बनने वाले भद्र योग की। तो भद्र योग देखिए, सबसे पहले मैं भद्र योग की बात करूँ, इसके पहले पंच महापुरुष योग के बारे में कुछ बातें बतानी रह गई थी कि ये केंद्र के भाव को हम विष्णु भाव मानते हैं और यहाँ पर जब ये पांचों ग्रह आते हैं अपने मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि या अपनी स्वराशि में तो ये बहुत ही प्यारा सा राजयोग बनता है पंच महापुरुष योग। इसका मतलब होता है कि पुरुष किसी भी एक जो बहुत ही केपेबल व्यक्ति होता है, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति होता है, भाग्यशाली शक्तिशाली व्यक्ति पुरुष के ये गुण हैं। और इसका किसी भी जेंडर से लेना देना नहीं है, स्त्रियों की भी कुंडली में हो तो ये उतना ही इफ़ेक्टिव राजयोग बनाता है। ये योग अमोघ है, अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो जीवन आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा, कम मेहनत में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, भाग्यशाली रहेंगे और ये एक बहुत ही शुभ योगों में से एक है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो चूँकि केंद्र स्थान को विष्णु स्थान माना जाता है तो इन पाँचों ग्रहों के उस अद्वितीय संयोग से ये बनते हैं जो भगवान विष्णु के, चाहे उन्होंने भगवान राम का अवतार लिया हो या भगवान कृष्ण का, इन दोनों कुंडलियों में हम पंच महापुरुष योग पाते हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि ये कितना ही एक शुभ और पवित्र और एक शक्तिशाली योग है। अब अगर हम बात करें बुध ग्रह से बनने वाले भद्र योग की तो ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी हमने चर्चा ऑलरेडी की हुई है, आप उस पहले एपिसोड को ज़रूर देखें। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि पांच तरह के फ़ायदे, क्या ये भद्र योग क्या है और किस तरह के फ़ायदे ये लाता है जातक या जातिकाओं की ज़िंदगी में। तो सबसे पहली बात कि जो बुध के कारकत्व होते हैं, आपकी वाणी को ये बहुत ही प्रखर, सुमधुर, आकर्षक, मनमोहक बनाता है। आप अपनी बातों से पूरी दर्शक दीर्घा को आप बांध लेते हैं, आपके कम्युनिकेशन एक जो स्किल सेट होता है आपने इतनी खूबसूरती से परमात्मा ने दिया है कि आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आप अपनी बातों से किसी को कन्विंस कराना हो या किसी को किसी बात के लिए मनाना हो तो ये एक बहुत ही बड़ा हथियार होता है कम्युनिकेशन, जिनकी अच्छी होती है। हम जानते हैं कि वो इस गुण से, अपने हथियार से कहते हैं कि पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड। तो वही बात है कि आप अपनी बातों से लोगों को रिझा लेते हैं, मन मोह लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे गणितज्ञ होते हैं, कंप्यूटर में आप का वरद हस्त आपको बहुत हासिल रहता है। इसके अलावा बुध के बाकी कारकत्व,
शारीरिक बनावट और संरचना बहुत ही खूबसूरत होती है। ऐसे जातक और जातिकाओं के फैन फॉलोइंग बहुत होती है, आपके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, परिवार में आप बहुत ही एक जाने माने, आपको लोग प्यार करने वाले होते हैं, आप कभी भी प्यार के लिए तरसते नहीं हैं, आपको बहुत ही फुर्तीले, बुद्धिमान और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आपका जीवन होता है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, धैर्यवान हो सकते हैं, संयम का बांध आपका नहीं टूटता। आपके हाथ पैर बहुत पतले और लंबे सुडौल हो सकते हैं, आपकी उंगलियों में शंख और चक्र या गदा की संरचना हो सकती है। आप अपने से कार्य करने में विश्वास करते हैं, आप कार्यों को डेलीगेट नहीं करते, वर्क को डेलीगेट नहीं करते, आप खुद से उसको अंजाम देना चाहते हैं। बहुत ही हंसमुख स्वभाव और मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है आपका। प्रेम के मामले में आप बहुत लकी होते हैं, सच्चे प्यार को आप तलाशते हैं और सच्चा प्यार आपको तलाशता है, तो एक बहुत ही रॉकिंग लव लाइफ होती है आपकी। ऐसे जातक हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे विश्वास रखते हैं। करियर में किस तरह से ये योग आपको फलित होता है, किस तरह के फ़ायदे पहुँचाता है, तो जब अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में भद्र राजयोग बनता है तो आप बहुत ही कम उम्र में अपने प्रोफेशनल एक्सलेंस को पा लेते हैं। बहुत ही कम उम्र से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है आपको। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, वाक पटु होना, उत्कृष्ट वक्ता होना, बहुत ही अच्छे ओरेटर हो सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, वाणी ही आपका धन है और बहुत ही सौम्य शाही प्रकृति के पूरे रॉयल एटीट्यूड के साथ आप अपने जीवन को जीते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत ही व्यापक सोच होती है आपकी, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ब्रॉड होती है, आप संकुचित विचारधारा को नहीं मानते। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, मैथमेटिशियन, इस तरह के आप कार्यों को कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फंड मैनेजर, रुपए पैसों से जो भी व्यापार, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स से मुतल्लिक, रुपए पैसे या गणित से रिलेटेड जितने भी कार्य क्षेत्र हैं आपके लिए, उनमें काम करना बाएं हाथ का खेल होगा। आप स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, टीवी एंकर हो सकते हैं, मास मीडिया में आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी बोली से आपकी मास अपील रहती है। अब इसके साथ देखिए कुछ बातें, जब ये भी बतानी ज़रूरी है कि किन परिस्थितियों में भद्र योग फलदायी नहीं होता है। अब देखिए, इस योग के निर्माण के लिए आपकी कुंडली में बुध का सिर्फ अपने उच्च राशि या अपनी स्वराशि में बैठना ही पर्याप्त नहीं होता। आपकी कुंडली के लिए बुध शुभ प्लैनेट होने चाहिए। यहाँ पर अगर वो आपके 6, 8, 12 के भी स्वामी होते हैं अपने दूसरे घर के अलावा, तो ये आपको एक दोषपूर्ण भद्र योग बन जाएगा। अगर इस बुध ग्रह पे जो ये भद्र योग बना रहे हैं उस पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इस योग में भारी गिरावट आ जाएगी। अगर बुध कम्बस्ट हैं, अगर सूर्य से कम्बस्ट हैं या रेट्रोग्रेड हैं, तो इस योग बनाने के बाद भी उनके फल देने की क्षमता बाधित हो जाएगी। अब अगर मीन लग्न या धनु लग्न की आपकी पत्रिका है, तो सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ बुध अगर केंद्र में है, तो उन्हें मार्केश होने का भी दोष लगता है, केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। एक और स्थिति बनती है कि भद्र योग बनाने वाले बुध ग्रह अगर केंद्र में हैं और उनके साथ आपकी कुंडली के 6, 8 और 12 घर के स्वामी भी हैं, तो उनके फल देने की क्षमता में बहुत गिरावट आ जाती है। वो उतने समर्थ नहीं रह पाते कि आपको इतने शुभ भद्र योग का फल दे पाए। अब अगर एक छोटी सी चर्चा और करूंगी कि अगर ये भद्र योग आपके लग्न में बन रहा है, तो जैसा मैंने कहा, आप शारीरिक स्वास्थ्य के धनी रहेंगे, आप आयुष्मान रहेंगे, आप में पराक्रम, आप में सेल्फ इनिशिएटिव लेने की क्षमता, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। अब अगर ये भद्र योग आपके चतुर्थ भाव में बनता है, तो घर में आपके सुख शांति वैभव बना रहेगा। आप बहुत ही एक लग्जरी अपार्टमेंट, बंगलो या विला या फार्म हाउस के आप ओनर हो सकते हैं। आपके लग्जरी व्हीकल हो सकती है, गाड़ियाँ आपकी बहुत शानदार हो सकती हैं। आपको माता का बहुत सुख मिल सकता है, आपकी माता आयुष्मान हो सकती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी
ये युति है चतुर्थ भाव में। अगर सप्तम भाव में भद्र योग बन रहा है तो शादी के बाद आप विवाह के उपरांत आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है। साझेदारी में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपका दबदबा बना रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर आपके सामने कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकते हैं, आपके मातहत वो उनको रहना पड़ेगा, ये स्थिति उनको स्वीकारनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं ये भी बता सकती हूँ कि आपको जीवन साथी का आपके जीवन साथी बहुत सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं या आपका व्यक्तित्व बहुत सुदर्शन हो सकता है। सप्तम भाव में ये बिजनेस साझेदारी और विवाह के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा योग बनता है अगर यहाँ पर बुध देव भद्र योग बना रहे हो तो। और इसी के साथ ही दशम भाव में अगर आपका भद्र योग बन रहा है तो आप मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में आप एक चमकते सितारे बन सकते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग, आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत हो सकती है, जनता के प्यारे हो सकते हैं आप। आपके कामकाज में गणित, कंप्यूटर्स, नंबर्स, ऐसे चीज़ों की भरमार रहेगी। रुपए पैसे से संबंधित आपका जॉब हो सकता है, आप फंड मैनेजर हो सकते हैं। आपके पसंद किए हुए पोर्टफोलियोज कभी घाटे में नहीं रहेंगे, इस तरह की स्थिति बन सकती है। दशम भाव के सारे कारकत्व आपको प्राप्त होंगे अगर वहाँ पर भद्र योग बना रहे हैं बुधदेव और आपकी कुंडली के लिए भी ये शुभ ग्रह हो तो। तो ये एक छोटी सी चर्चा भद्र योग के बारे में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी कुंडली में भद्र योग है तो आपने कैसे अपने जीवन को अभी तक बिताया है और क्या आपके एक्सपीरियंसेस, आपके सजेशंस हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।